हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे नहीं पता कि कैसे घर के अंदर व्लॉग करते हैं, मुझे सच में नहीं पता कि घर के अंदर व्लॉग कैसे करते हैं, लेकिन क्या बता सकते हैं। ये मेरे पीछे वाली दीवार है, ये टेबल है, ये माउस है, नाइस माउस, नॉट नाइस, ये माउस पैड है, एक्चुअली ये माउस पैड नहीं है, ये एक, इसे मैंने माउस पैड बना रखा है, ये एक्चुअली एक टाइल है, ACP बोलते हैं इसको, ACP टाइल लगाते हैं। सो ओके गाइस, टुडे आई एम अनबॉक्सिंग विमल क्वार्ट्ज। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी, वैसे विमल की भी घड़ियां आती हैं क्या? विमल घड़ी बनाता है, बोलो जुमा केसरी। ओके सो ये हमारे पास घर में पड़ी थी, और वैसे भी देखा जाए तो रिटर्न गिफ्ट के ही ये काम में आने वाली चीज़ें हैं, और ये हमारे कोई काम में नहीं आने वाली हैं। ओके सो बॉक्स, वेरी गुड बॉक्स, वेरी गुड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। ओके सो इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। ओहो, बिल्कुल एकदम लाल लाल घड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ही भोला की चाय की दुकान पे से लेके आया हूँ। वेरी नाइस, उसमें चाय का कप भी है और एक फूल पत्ती, ऊपर विमल की ब्रांडिंग, वेरी नाइस प्रोडक्ट। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है पीछे से कुछ दिखने लायक है नहीं। वैसे हमको जो है सिर्फ इसमें से ये इसकी जो कांटा है वो, और ये जो इसकी मशीन होती है वो चाहिए। सो इसको हम लोग निकाल के, मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको इसमें लगा देंगे, आई होप कि इसमें लग जाएगा और ये एक वुडन वाली वॉल क्लॉक बन जाएगी। व्हाट यू थिंक, बन सकती है यार? लेट मी चेक साइज कितना है इसका। ओके हाँ बिल्कुल यार, ये बनी इसलिए, काश ये टाइल थोड़ी सी और बड़ी होती ना और मज़ा आ जाता। बट इट्स ओके, बट इट्स ओके, चलेगा। इसको थोड़ा सा क्लीन करके और अभी हम लोग रगड़ते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। ये जो वॉल क्लॉक है ये मैं लेके आया हूँ अपने घर में से, मतलब नीचे से मैं जो है मेरी मॉम से लेके आया हूँ। सो मेरी मम्मी से इसको लेके आना, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में आप लोगों को बता दूँ, चाहे 10 साल ही पड़ी रहेगी इट्स ओके, तुम लोग समझते हो कि क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके कल ही एक अमेजोन पे एक वुडन क्लॉक देखी, जिसका फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मतलब वैसी नहीं बन सकती ऑब्वियस बात है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि कितनी है वैसी बन सकती है। तो इसका ये DIY होने वाला है। मेरे को पकड़ने का और ऐसा घुमा देने का जिसे लगेगा कि सिनेमैटिक शॉट। डिंग 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 डिंग। वैसे मैंने अपने बाल जो है अर्बन क्लैप से कटवाए इस बार, आधे घंटे तो उसने सेटअप लगाया अपना, 15 मिनट उस सेटअप को हटाने का, प्लस 1.25 घंटा तक उसने मेरे जो है हेयर को लेयर्स में कट किया था। तो मेरे को लगता है कि यार चलो 5 स्टार दे देते हैं, मैंने तो देखा भी नहीं कि मेरे हेयर कट उसने कैसा किया है, मैंने तो बस उसको 5 स्टार दे दिया, ठीक है जो भी है। इतनी देर कोई लगाता है वो भी सिर्फ 250 रुपये उसने मुझसे जो है चार्ज था अर्बन क्लैप का, तो 250 रुपये के अंदर तो यार हम लोग वैसे भी क्या है एक हेयर कट में इतना, घर पे भी आ रहा है, डिस्पोजेबल सारी चीज़ें यूज़ में ले रहा है, यू नो। ओके तो ये तो सिर्फ इसका स्टैंड है जो हमने निकाल लिया है। सो प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर जो है हम इसमें होल कैसे करेंगे, मतलब सेंटर के अंदर हम लोगों को एक होल करना पड़ेगा। अब ये इसके अंदर जो है एल्युमिनियम भी होता है, इसमें होल करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ से हमें इसमें होल करना है, और लगभग जो है इतना ही बड़ा मुझे इसमें होल करना पड़ेगा जितना इसके अंदर है। सो मैंने किया क्या है, इसके अंदर एक हल्का सा स्क्रू को ठोक के लगा दिया है, क्योंकि मैंने पहले इसको गर्म करके ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा कि इसके अंदर से सिल्वर यानी एल्युमिनियम दिखने लग गया, यानी गर्म करने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारा जो है इसमें फिट हो गया है, अभी मुझे लग रहा है लेकिन ये जो स्क्रू है थोड़ा सा छोटा रहेगा, बट इट्स ओके, जैसा भी है। अब इसको वापस बाहर निकाल लेते हैं और ट्राई करते हैं कि थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर सकेंगे कि हमारी जो ये मशीन है ये इसमें फिट हो जाए। आई होप कि ये इसमें हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है मैंने इसमें होल किया था एक छोटे से स्क्रू से, देन इसके अंदर मैंने होल किया है इस बड़े वाले स्क्रू से, और इसके बाद में भी इसको फ्री किया है मैंने इससे भी बड़े वाला जो एक स्क्रू होता है उससे मैंने इसके अंदर होल करके इसको बड़ा किया है, जब जाके ये थोड़ा बहुत सही हुआ। लेकिन देख सकते हैं आप इसके अंदर आपको सिल्वर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सारा जो एल्युमिनियम है वो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। सो मेन यही प्रॉब्लम है कि
यहाँ तक भी अब एलुमिनियम दिखने लग गया है, मतलब कि थोड़ा सा इसका लुक बिगड़ गया है मेहनत करने के चक्कर में। ओके सो अभी ये वर्क कर रही है, फर्स्ट इन इसको हटाएंगे। ओके ओके सो अभी ये वर्क कर रही है, और तो मैंने ये बनाई क्यों मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ओके बस इसमें मुझे अगर चाहिए तो कुछ स्टिकर्स हैं जैसे कि उस पिक्चर में थे उस टाइप के, कुछ मुझे स्टिकर्स इस पे लगाने पड़ेंगे और फिर मैं भी ये ज़्यादा बेटर लगेगी। और देख रहे होंगे आपके यहाँ जो मैंने होल किया है वो भी काफ़ी गंदा लग रहा है इसमें, बाकी इट्स ओके, मतलब ठीक है, इतनी बुरी नहीं लग रही है। अभी भी बज रही है।